नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजकोट से हैं और आप मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज या लव मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजकोट एक ऐसा शहर है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और यहाँ के शहर के बारे में बातें करना मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे विजिटर्स जो हैं वो यूट्यूब पे आते हैं, लीड इंडिया के चैनल पे आते हैं, सवाल पूछते हैं, लीड इंडिया डॉट लॉ की वेबसाइट पे जाते हैं, सवाल पूछते हैं और उन्हें एक वैलिड मैरिज का प्रोसेस जानना है, लव मैरिज या कोर्ट मैरिज का प्रोसेस जानना है, जिनकी मैरिज हो गई है उनको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानना है। तो मैं आपको बताऊँ कि गुजरात गवर्नमेंट के हिसाब से वहाँ पर लॉ बनाया गया है मैरिज को लेकर के, और लॉ ये है कि आप शादी चाहे जैसे मर्जी आपने किया हो, आपकी शादी जो रजिस्टर्ड होगी वहाँ के म्यूनिसिपैलिटीज़ में रजिस्टर्ड होगी। यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन का अधिकार, बर्थ सर्टिफिकेट का अधिकार और डेथ सर्टिफिकेट का जो अधिकार है वो वहाँ के म्यूनिसिपैलिटीज़ को दिया गया है। राजकोट के अगर आप रहने हैं वाले हैं तो आप राजकोट में आप सेम रिलीजन के पार्टनर से आप प्यार करते हैं, आप शादी आप मंदिर में या निकाह कर लें, मंदिर में शादी कर लीजिए या निकाह कर लीजिए, मुसलमान है तो, क्रिश्चियन है तो आप चर्च में जाके शादी कर लीजिए, उसके बाद से प्रोसेस आता है मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना। आप म्यूनिसिपैलिटी में अप्लाई करके मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह काम आप अपने आप भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट के माध्यम से कराएंगे तो इस काम को बहुत जल्दी करा सकते हैं और बिना किसी ज़्यादा परेशानी के करा सकते हैं। जब आप खुद से कराते हैं, डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं होती है तो कई गलतियां हो जाती है, फाइल रिजेक्ट हो जाता है, जो काम आपका 2 से 3 दिन में हो सकता था उसको होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि किसी एक्सपर्ट के माध्यम से कराएं। उसके बाद से आपको मैं इस वीडियो में आपके हेल्प के लिए बताने जा रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या होगी और क्या क्या आपको करना पड़ेगा जिससे कि आप अपने मैरिज को ठीक से कर सकते हैं। एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू ही इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों में से पार्टनर में, आप और आपके पार्टनर में से कोई भी एक राजकोट का जरूर होने वाला चाहिए। अगर आप राजकोट के रहने वाले हैं तो आप कर सकते हैं इस प्रोसेस को। ये जो प्रोसेस होता है वो ADM या SDM के ऑफिस में होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हो जाती है। तो आइए अब शुरू करते हैं कि आप कैसे और किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहाँ पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए ज़रूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका ID प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर ID हो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर ID कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे
ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे, और हाई कोर्ट के को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम 3 स्टेप्स में आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है, और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।